हाय दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। पिछले एक हफ्ते में आपने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा, पर अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी ना भी हो तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताऊँगी। आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, व्हाट्सएप का बैकग्राउंड, उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी और इससे उभरते हुए कई सारे नए मुद्दे, और व्हाट्सएप के अलावा हमारे दूसरे विकल्प यानी सिग्नल जैसे सुरक्षित ऐप्स के बारे में जानकारी। जब से भारत में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुरू हुआ है, तब से हम सब व्हाट्सएप का उपयोग भी करते आ रहे हैं। आज की तारीख में भारत में 34 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2021 की शुरुआत से बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने से पहले हमें व्हाट्सएप के पूरे बैकग्राउंड को समझना होगा। व्हाट्सएप साल 2009 में शुरू हुआ था। उसके 5 साल बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। जब फेसबुक और व्हाट्सएप के सौदे की बात हो रही थी, कई सारे एक्टिविस्ट ने व्हाट्सएप के चैट्स की प्राइवेसी के मुद्दे को भी उठाया, और उस वक्त व्हाट्सएप ने यूरोपियन कमीशन और फेडरल ट्रेड कमीशन जैसे रेगुलेटर्स को ये आश्वासन दिया कि उनके यूज़र्स का डेटा यानी आपका डेटा फेसबुक से किसी भी हाल में शेयर नहीं किया जाएगा। पर साल 2016 से इस कहानी में बदलाव की शुरुआत होना शुरू हो गई। 2016 में व्हाट्सएप ने घोषित किया कि वो अपने यूज़र्स के फ़ोन नंबर्स और लास्ट सीन एक्टिविटी फेसबुक से शेयर करना शुरू कर देंगे। यूरोपियन कमीशन जैसे रेगुलेटर्स जिन्होंने व्हाट्सएप के आश्वासन को मद्देनज़र रखते हुए 2014 में फेसबुक और व्हाट्सएप के इस सौदे को आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी, वो व्हाट्सएप की इस घोषणा से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पर 110 मिलियन यूरो का हर्जाना लगा दिया। अगस्त 2016 में भारत के दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मसले पर एक मुकदमा शुरू किया गया। ये मुकदमा अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सवाल ये है कि अचानक 2021 में ऐसा क्या हुआ कि लोग व्हाट्सएप को अपने फ़ोन से डिलीट कर रहे हैं। लगभग 2 हफ्ते पहले 4 जनवरी को व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते 8 फरवरी से व्हाट्सएप पहले से और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, जैसे कि आपकी फ़ोन की बैटरी लेवल और सिग्नल स्ट्रेंथ। और तो और, अगर आपने अपने फ़ोन में लोकेशन रिलेशन जैसे फीचर्स ना भी इस्तेमाल करते हों तो व्हाट्सएप आपके IP एड्रेस और फ़ोन नंबर एरिया कोड्स की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इस जानकारी के ज़रिए आपकी लोकेशन का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो भी व्हाट्सएप की नई पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, उनकी पेमेंट अकाउंट, शिपिंग डिटेल्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट यानी आपने कितने रुपए की पेमेंट की है, ऐसा सारा डेटा भी स्टोर होगा। पर किसी भी ऐप को परमिशन देने के पहले आपके पास अपनी सहमति या असहमति देने का मौका होता है। इस नई पॉलिसी में आपको ये विकल्प नहीं दिया जा रहा। अगर आपकी सारी जानकारी व्हाट्सएप को देने से इनकार करते हैं तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप व्हाट्सएप का उपयोग 8 फरवरी के बाद भी करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी निजी जानकारी बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब समस्या ये है कि व्हाट्सएप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक भाग बन चुका है। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, 34 करोड़ भारतवासी व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। डेटा प्राइवेसी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यदि कोई आपके डेटा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है तो वो आपके जीवन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन प्राइवेसी का सीधा संबंध आपकी शारीरिक सुरक्षा से भी है। अगर ये जानकारी गलत हाथों में पड़ जाए तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आज ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं
और जो आपकी निजी जानकारी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसे एक बहुत अच्छे और सुरक्षित ऐप का उदाहरण है सिग्नल। सिग्नल भी एक मैसेजिंग ऐप है, पर व्हाट्सएप की तरह वो आपकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते। उनका ध्यान आपकी प्राइवेसी, आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रखने पर है। सिग्नल सिर्फ आपका फ़ोन नंबर इकट्ठा करता है और ये नंबर भी आपकी पहचान से जोड़ने का प्रयास नहीं करता। एक और अच्छी बात यह है कि सिग्नल इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान भी है। जब से व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की है, तब से कई लोग सिग्नल के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने जिन भी मुद्दों के बारे में बात की है, उन सबकी रिसर्च में मेरे कॉलीग्स देवदत्ता मुखोपाध्याय और सुपनित कौर का भी योगदान है। IFF द्वारा 11 जनवरी को लिखे गए एक्सप्लेनर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उसमें इस मुद्दे के बारे में और कई सारी जानकारी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दूसरे ऐप्स के बारे में भी जानकारी लिंक की है, उसे ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। आखिर में अगर आपको इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का काम पसंद है तो प्लीज़ डोनेट करें। हमें आगे बढ़ने के लिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।